स्वागत है फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के पद निकले हैं। साथ में दोस्तों, आप लोगों को आज के वीडियो में बताएंगे कि कितने पद निकले हैं, साथ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती के जरिए 3115 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अभ्यर्थी इच्छुक और योग्य है वे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि er.indianrailways.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर 2023 से कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 तक रखी गई है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप आसानी से लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन पदों पर की जाएगी भर्तियां। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 3115 पदों पर जारी किया गया है। भर्ती के जरिए फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन इत्यादि पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC और EWS वर्ग के आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWD महिला से आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फीस की भुगतान अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप भर्ती 2023 के न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 26 अक्टूबर 2023 को आधार मानकर की जाएगी। हालांकि OBC, EWS, ST और SC और आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों, अब शिक्षक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही संबंधित विषय में ITI भी होना चाहिए। अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में चेक किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थी का चयन मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा। अधिक जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे भर्ती के कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इसके बाद भर्ती लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद पर्सनल डिटेल दर्ज करके यूजर्स ID और पासवर्ड क्रिएट करें, इसके बाद फॉर्म भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस का भुगतान करें। फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।